क्लास, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, आप ठीक हैं? आज 8 अप्रैल है और आज आपका सेकंड लेक्चर जो है उसको मैं अपलोड करूँगी। सेकंड लेक्चर जो है बेटा उसको अपलोड करते हुए हमारा जो टॉपिक कंटिन्यूड है वो है द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में आज आप जो पढ़ेंगे, जो सिस्टम जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तफसील से पढ़ेंगे, वो है द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन एंड इट्स फंक्शन। यानी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि स्केलेटल सिस्टम है क्या और ये काम क्या करता है। आप देखिए बोर्ड की तरफ, सबसे पहले व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये किससे मिलकर बना है। मेन हेडिंग्स आपके सामने हैं और आपको दिखा रहे हैं। नंबर वन, बोन्स, जॉइंट्स एंड लिगामेंट। बोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स आर फाउंड इन योर बॉडी, ओके। जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। एंड व्हाट इज लिगामेंट, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कंबाइन होंगी, मिलेंगी या जुड़ जाएंगी, उसको हम कहते हैं लिगामेंट। आगे हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ये जो स्केलेटल सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर काम क्या करता है। नंबर वन, गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ, मजबूत बनाता है और सपोर्ट करता है। नंबर टू पर हम देखेंगे गिव शेप टू द बॉडी। हमारी बॉडी की ये जो शेप है ये स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारे जो बॉडी के अंदर सॉफ्ट और इंटरनल ऑर्गन्स है उनको भी कौन बचाता है, द स्केलेटल सिस्टम। अभी मैं आपको एक मॉडल दिखाऊंगी स्केलेटल सिस्टम का जो इस वक्त हमारे बायो लैब में मौजूद है, तो मैं दिखाती हूँ आपको और साथ में उसके फंक्शन जो है वो भी डिस्क्राइब कर रही हूँ। जी बेटा, आप सब बच्चों को नजर आ रहा है यहाँ पर एक मॉडल है स्केलेटल सिस्टम का। अगर आप फ्रंट हेड टू फुट देखें तो आपको समझ आएगी, एट द टॉप इट इज कॉल्ड स्कल। और ये जो स्कल है ये क्या काम करती है, इट प्रोटेक्ट योर डेलिकेट ऑर्गन विच इज फाउंड इनसाइड इट एंड इट इज कॉल्ड ब्रेन। ब्रेन के बाद आप देखेंगे हियर इज द रिब केज। रिब केज बिल्कुल एक पिंजरे की तरह आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिब केज एंड इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन विच आर कॉल्ड रिब्स एंड हार्ट। इसके बाद स्पाइन, स्पाइन की बारी आती है। स्पाइन जो है ये भी प्रोटेक्ट करता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स जिसमें है हेड और स्पाइन। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आ जाएं तो आपको हिप बोन जो है वो नज़र आएंगी और हिप बोन के बाद आपको एक लंबी बोन जो है वो नज़र आ रही है, दैट इज कॉल्ड द फीमर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन योर बॉडी। इसके अलावा अब आप ये देखेंगे, अगर आप गौर से देखें तो इस स्केलेटन के अंदर बहुत सारी बोन्स पाई जा रही हैं। दीज आर 206 बोन्स विच आर फाउंड इन द स्केलेटन सिस्टम एंड दीज ऑल बोन्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। सम बोन्स आर लॉन्ग, सम आर शॉर्ट, सम आर फ्लैट एंड सम आर इरेगुलर। तो अभी बेटा आपको इतना ही अंडरस्टैंड करना है। इस स्केलेटल सिस्टम की डायग्राम आपकी बुक के अंदर दी गई है, आप कोशिश कीजिए कि इसको गौर से देखें और जो फंक्शन और जो डिटेल मैंने आपको पढ़ाई है उसको आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है। बाकी इस डायग्राम के साथ जो बुक पर पेज नंबर है इंशाल्लाह उसकी फ़ोटोकॉपी भी मैं आपको भेजूंगी ताकि आपको रीड करने में और अंडरस्टैंड करने में मुश्किल ना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।